आज का यह कार्यक्रम बहुत दिनों पहले परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा था कि जोशी तब तो मेरा जन्मदिन नहीं मनाते थे लेकिन यूं ही मेरे मुंह से निकल गया तो मेरे साथ कुछ सन्यासी थे और उन सन्यासियों ने मेरा जन्मदिन मुक्तिनाथ के इस स्थान पर बनाया और यहाँ मैंने उनको नारायण पर्वत की श्रेष्ठता बताते हुए उन्होंने कहा कि गुरुजी हमें उपहार के रूप में क्या करेंगे, तो गुरुजी ने कहा कि मैं आष्ट में यहाँ कानन शिला है उसके ऊपर अप्सरा का नृत्य बताऊंगा और उन्होंने उर्वशी का आह्वान करते हुए उन्होंने उर्वशी का नृत्य उनके साथ आए हुए सन्यासियों को बताया था। मेरा चिंतन बहुत दिनों से था कि गुरुजी ने यहाँ की विशेषता जो बताई थी तो उस विशेषता के अनुसार जहाँ गुरुजी की चरण धूलिए लगी है, जहाँ गुरुजी ने तपस्या, कहते हैं कि गुरुजी यहाँ 40 दिन तपस्या रत थे ये नारायण पर्वत मुक्तिधाम मुक्तिनाथ के नाम से और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्थान के नाम से यह जाना जाता है। इसका विशेष महत्व यह है कि हमारी पृथ्वी का जब प्रलय हो जाता है, प्रलय सारी चीजें डूब जाते हैं, सारी पृथ्वी डूब जाती है जल में, कहते हैं कि यहाँ भगवान विष्णु अपने शेष नाग पर अवस्थित होकर जहाँ आज मुक्तिनाथ का धाम है उस पर वे विराजमान होते हैं। थोड़े दिन के बाद माता भगवती की कृपा से वे शेषशायी बनकर मतलब वटपत्रशायी बनकर यहीं विराजमान होते हैं। इतने ऊपर रहने के कारण वहाँ ये जलमग्न नहीं होता स्थान और भगवान विष्णु यहाँ प्रलय के बाद अपना वास करते हैं। इसलिए से मुक्तिनाथ धाम के साथ साथ इस भगवान के विष्णु को श्रीरंग स्थान कहा गया है, श्रीरंगम नाम का स्थान कहा गया है। और यहाँ श्रीरंग नाथ के रूप में भगवान विष्णु अपने शेषय्या पर सोए हुए श्रीदेवी भूदेवी उनके पाव दबाते हुए यहाँ उनकी पूजा संपन्न करती है और इसे श्रीरंग धाम भी कहते हैं, मुक्तिनाथ धाम भी कहते हैं, क्योंकि सभी लोगों का फिर से भगवान विष्णु के नाभिकमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति और ब्रह्मा ने सृष्टिकर्ता की उत्पत्ति यहां से ही आरंभ हुई है ऐसा कहा जाता है, इसलिए इसे श्रीरंग धाम कहा गया है। हमने देखा है कि भगवान सत्ययुग में लक्ष्मी नरसिंह पहले कुल देवता हुए सभी के, लेकिन उससे पहले भी रघुवंश में जो रघुवंश है रघु के बाद उस पीढ़ियों में बहुत सारे राजा हुए और सारे राजाएं अपने अपने से बहुत प्रसिद्ध थे। उस रघुवंश के कुलदेवता के रूप में श्रीरंग देवता का स्थान, शेषशायी भगवान का स्थान सभी बहुत श्रेष्ठ है और वे यहाँ थे। रघुवंश में हरिश्चंद्र भी हुए, रघु भी हुए, राजा रामचंद्र जी हुए, दशरथ भी हुए और बहुत सारे राजाएं हुए जिनका अपना अपना स्थान था, अपनी अपनी श्रेष्ठता बनाए हुए, जिनको चरित्र आज भी याद करता है, जिनका इतिहास, जिनका पुराण, जिनकी श्रेष्ठता आज भी जानते हैं, ऐसे रघुवंश के ये श्रीरंग, ये विष्णु मुक्ति धाम के नारायण भगवान उनके कुलदेवत थे। लेकिन कुलदेवत की आराधना इसके करने के लिए जब भी विश्वामित्र भगवान ने त्राटक आदि को मारकर विश्वामित्र जब यज्ञशाला के लिए सिद्धाश्रम ले जाते हुए यहाँ आए और रामचंद्र जी को समझाया कि ये तुम्हारे कुलदेवता का स्थान है, यहाँ से ही जाते हुए नेपाल ही वह मिथिला नगरी है जहाँ सीतामय का विश्वास लग्न हुआ और उनका स्थान कहा जाता है। यहाँ से जाते समय मिथिला से आज भी पालकी जाती है, जानकी देवी की पालकी यहाँ से अयोध्या, और यहाँ भी आज मैंने सुना है कि माता सीता का बहुत भव्य मंदिर राम मंदिर के बाद बनाया जा रहा है। ये भी जाते जाते रास्ते में मिथिला नगरी आती है जो जानकी माता का जन्म स्थान है और यहाँ से ही जाते हुए उन्होंने विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण की शादी का या शिव धनुष को तोड़ना, यह सारी चीज़ें यहाँ से जाते हुए और नेपाल के पास ही जानकी का
जन्मस्थल, माता जानकी के जन्मस्थल और सीता माता का जन्मस्थल कहा गया है। ऐसे श्री रंगधाम को तभी आते जाते नहीं होने के कारण भगवान दशरथ जी ने प्रार्थना की कि हे भगवान श्री रंगधाम, आप कुलदेवत बनकर हमारे अयोध्या आ जाओ। उनको अयोध्यानाथ के नाम से जाना जाता है और अयोध्या को कुलदेवत के रूप से श्री रंगधाम अयोध्यानाथ के रूप में वहाँ विराजमान हुए। लेकिन बात ऐसी हुई कि वशिष्ठ विश्वामित्रादि ऋषि रहने के कारण उनकी कहने या उनके बातों पर, उनकी श्रेष्ठता के ऊपर वहाँ उनके राजाओं ने बहुत सारे देवताओं की आराधना की। कुलदेवता की आराधना में वो सूर्यवंशी भी कहलाते हैं, सूर्यवंश के रघुनाथ, अपने रघुवंश सब सूर्यवंशी कहा जाता है। और उसी तरह श्रीरंग में अयोध्यानाथ की पूजा भी श्रेष्ठता से की जाती है। लेकिन गलती कहाँ हुई, जहाँ भी कुलदेवता का इरादा था, जब हरिश्चंद्र जी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने विश्वामित्र से प्रार्थना की, अपने वशिष्ठ महर्षि से प्रार्थना की, तो वशिष्ठ महर्षि ने कहा कि हे हरिश्चंद्र, तुम्हारे को पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हें वरुण देवता की प्रार्थना करनी है। बहुत दिनों तक उनको संतान नहीं होने के कारण हरिश्चंद्र जी ने प्रार्थना की थी, तो उन्होंने कहा कि वरुण देवता के जैसे वशिष्ठ जी के कहने पर प्रार्थना हुई। तो वरुण देवता ने कहा कि मैं तो तुम्हें पुत्र प्रदान करूंगा, तुम मुझे क्या दोगे। तो हरिश्चंद्र को दिल में यह था कि पुत्र तो प्राप्त होगा, मेरे को मुझे निर्वंश तो नहीं कहा जाएगा, पुत्र प्राप्ति होगी तो बहुत अच्छा ही होगा। तो बोले वरुण देवता को, तुम जो मांगोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र की बलि चाहता हूँ। अरे, तो हरिश्चंद्र को ये लगा कि वंश तो बढ़ना है, वंश तो हुआ, वरुण देवता देते हैं तो फिर पुत्र होंगे कुछ भी। उन्होंने एक ही मिनट में मान लिया कि ठीक है, अब मुझे पुत्र दे दो, हो जाएगा। जैसा ही वरुण देवता ने मान लिया, उनको हरिश्चंद्र जी माता की पत्नी गर्भवती हुई और उनको पुत्र हुआ। पुत्र का धूमधाम से नामकरण किया। तो वरुण देवता आए और उन्होंने कहा कि तूने जैसा वादा किया है वैसे पुत्र की बलि दे दे। हरिश्चंद्र स्तब्ध रह गए कि अब क्या करें। उन्होंने कहा पुत्र तब तक महान नहीं कहलाता, वरुण देवता आप जानते हैं, उसका नामकरण नहीं हुआ, उसका झूला नहीं हुआ, उसके बाल नहीं कटे, तब तक तो मेरा पुत्र, तब तक तो वो देवता का पुत्र ही कहलाया जाता है, इसलिए मेरा पुत्र नहीं कहलाया जाता, इसलिए मैं अभी बलि देने की बात नहीं होती, वो थोड़ा बड़ा हो जाने दो, मैं बलि देता हूँ। तो बोले कितने दिन, तो जैसे उसके बाल वगैरह कटेंगे नामकरण हो जाएगा, मैं आपकी बात मानूंगा। नामकरण के दिन नामकरण हुआ, बाल कटे, फिर वरुण देवता आए, बोले चलो बलि क्यों, बलि की तैयारी करो। बोले मैं पिता कैसे कहलाऊँ, ये नामकरण तो देवता का हुआ, अब ऐसा करता हूँ इसके चूड़ा चौल कर्म और इसका उपनयन संस्कार आदि करता हूँ, तब वो मेरे से गायत्री उपदेश लेगा और उसके बाद वो मेरा पुत्र कहलाएगा। मैं चाहता हूँ कि उसके बाद आप उसको बलि ग्रहण करने के लिए आ जाओ। पुत्र बड़ा हुआ, जैसा ही बड़ा हुआ वरुण देवता आए और कहा कि चल उपनयन संस्कार वगैरह सब हो गया, गायत्री मंत्र का उपदेश हो गया, अब तू बलि दे दे। वरुण देवता को देखकर हरिश्चंद्र तो बहुत डर गए और कहा कि प्रभु अब एक बात है, मेरा तो वंश चल गया लेकिन उस मेरा भी वंश चलना चाहिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पुत्र बड़ा हो, उसकी शादी हो और उसको पुत्र हो गया, तो अब जैसा चाहे मैं बलि देने के लिए तैयार। वरुण देवता को क्रोध आया, बोला तुम मेरे को हर बार टालते हुए जा रहा है, तू अगर ठीक तरीके से बलि देगा तो देगा बोल, नहीं दे तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। उन्होंने कहा कि आपको मैंने निश्चित रूप से कहता हूँ कि वो जब बड़ा होगा मैं तुम्हें जरूर उसको उसकी बलि जरूर दे दूंगा जैसे शादी हो जाएगी। लेकिन यह बात जब हरिश्चंद्र के बेटे को पता चला कि उसका बाप वरुण देवता को उसको बलि देने वाला है, वो एक दिन रात में खड़े खड़े भाग गया कि बाप बलि देने वाला है तो अब कैसा होगा, कैसा भाग गया, कितना ढूंढता है, तो वो भागते भागते कहाँ आया कि यही मुक्तिनाथ में आ गया और एक गुफा में रह गया। अब जब वरुण देवता आए तो वरुण देवता ने कहा हरिश्चंद्र क्या हुआ, प्रभु क्या बताऊं, मैं तो असमर्थ हूँ, वो तो भाग गया, पुत्र भाग गया और वो नहीं मिल रहा, आप मैं कैसे कर सकता हूँ, जब मिल जाएगा तब जरूर बलि दूंगा। तो वरुण देवता कहते हैं कि तूने मुझे छला है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे जलोदर का रोग हो जाए, तेरे उदर में पानी ही बनेगा, रक्त नहीं बनेगा और तू उससे पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि तूने मुझे सताया है, तूने मुझे झूठ कहा है। जलोदर से पीड़ित हो गए,
दुखी हो गए। तब उनने कहा जाकर महर्षि वशिष्ठ के पास कि आप मेरे कुलगुरु हैं, कुछ न कुछ मुझे मार्ग तो बताओ, अभी जलोदर से नहीं और पुत्र कहाँ है पता नहीं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने सब तरफ से देखा और कहा कि मैं फिर भी वरुण देवता से प्रार्थना करता हूं, इसके बदले में किसी ब्राह्मण पुत्र को उसके ही आयु का हो और उसको बलि दी जाए तो तेरे इस उधर जलोदर के इस बीमारी को मैं कम कर सकता हूं। उसने कहा, अब हरिश्चंद्र ने कहा तो ये तो ठीक है। वो अब ढूंढने लगे कि कहां पुत्र, कहां कौन मिलेगा। तब असित नाम का एक ब्राह्मण था, उस असित नाम के ब्राह्मण ने, ब्राह्मण के पास बहुत बच्चे, बहुत दरिद्र था, घना दरिद्र था वो, तो उसके चार पुत्र थे। उसमें उसने कहा कि हरिश्चंद्र राजा अगर कहते हैं मुझे पर्याप्त धन देते हैं तो मैं मेरे पुत्र को बलि के लिए दे दूंगा। उनके चार पुत्र थे जिसमें सुनश्चेत था और उसके नाना चार पुत्रों के नाम थे। तो उन्होंने उस वय के, उसके आयु के बराबर सुनश्चेत को चयन कर लिया और कहा कि मैं इसको बलि देने के लिए तैयार हूँ। तो उनने कहा 1000 गाय, उस 10,000 गाय और उसके साथ साथ धन ऐश्वर्य और घर आदि सब दे दूंगा। वो बहुत संतुष्ट हो गया और पुत्र को दे दिया। वशिष्ठ महर्षि ने वरुण यज्ञ आरंभ कर दिया और कहा कि वरुण जी, उनका पुत्र नहीं मिल रहा है तो उसके बदले में मैं इन्हें बलि देना चाहता हूँ। वरुण संतुष्ट नहीं थे। सुनश्चेत को बांध दिया गया और जब सुनश्चेत को पता चल गया कि मेरे पिता ने बलि देने के लिए मुझे भेज दिया है हरिश्चंद्र राजा को, तो वो भी बहुत दुखी हो गया। लेकिन क्या करता, गरीब था, उसको खंभे को बांध दिया गया, अब बलि चढ़ाने वाले थे। ये बात विश्वामित्र को पता चला। विश्वामित्र आए और वशिष्ठ को बहुत सारी बातें सुनाई और कहा कि किसी भी उसके बिना इच्छा के अगर तुम बलि देते तो बलि कैसे होगी, तुम क्यों बलि दे रहे हो, उसको बलि नहीं दे सकते और तुम बलि दे रहे हो तो ये बलि स्वीकार कर नहीं जाएगी, मैं वरुण देवता को प्रार्थना करता हूँ। वशिष्ठ परेशान हुए, हरिश्चंद्र देखकर ये परेशान हो गए कि इधर अगर बलि रुक गई तो जलोदर कम नहीं होगा। और विश्वामित्र कहते हैं, तो विश्वामित्र ने कहा कि मेरी तपस्या का पूर्ण फल देता हूं और मैं विश्वामित्र को बिना बलि के बचा लेता हूं वरुण देवता को देकर। तो वशिष्ठ का अपमान हुआ क्योंकि वो कुलगुरु थे, जो कार्य वो नहीं कर सके विश्वामित्र ने करने के लिए कहा। विश्वामित्र ये क्यों करना चाहते थे, तो विश्वामित्र की एक पत्नी थी, उसका नाम था उषा, वो वनवासी औरत थी और उनके साथ उनका प्रेम हो गया था और उसका ही पुत्र था यह सुनश्चेत। तो उन्होंने ये जब देखा कि ऐसा हो रहा है तो विश्वामित्र ने जब उसको रोका और जब उन्होंने अंतर्धान अपने मन से ध्यान से देखा, ये तो मेरा ही पुत्र है, मुझे तो इसको बताना होगा। तो उस उषा को हरिश्चंद्र ने, जब वो खाने के लिए भी दरिद्र होकर वन वन घूम रही थी, उसको हकाल दिया गया था, उसको श्राप दे दिया गया था, तो वो वन वन घूम रही थी तब, और विश्वामित्र तपस्या में चले गए थे उस समय, उस स्त्री को हरिश्चंद्र ने अपने घर से अन्न दाना भी देकर उसको पाला पोसा और उसको एक झोपड़ी लगा के दी। जब विश्वामित्र तपस्या से वापस आए तो उषा को पूछा कि तेरा ये हाल किसने, तुझे किसने दिया ये धन, तू यहाँ कैसा जीते रहे, किस प्रकार रहे तूने जिया। तो उन्हें बताया कि राजा हरिश्चंद्र ने मुझे खाना वगैरह दिया है। तो विश्वामित्र लगा कि उनका ऋण मैं चुका देना चाहिए और उन्हें उस ऋण को चुकाने के लिए वहाँ आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बचा लेता हूँ। जैसे ही वरुण देवता आए, वरुण देवता के उन्होंने कहा कि वरुण देवता, ये बलि की प्रथा तुमने कब से आरंभ की, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा भी होगा, तुमने बलि लेने की बात भी कही होगी, मैं मेरे तपस्या का फल पूर्ण देकर इस बलि प्रथा को मैं यहाँ रोक देना चाहता हूँ और सुनश्चेत को बचाना चाहता हूँ। जब विश्वामित्र कह रहे तो विश्वामित्र का गुस्सा भी उनको पता था, नहीं कहूं तो ये क्या कह देंगे, कुछ पता नहीं। वरुण देवता ने कहा ठीक है, मैं उनकी जलोदर को कम कर देता हूं और सुनश्चेत को बचाया गया। तो वरुण देवता ने कहा कि अब मैं किसका बेटा हूं, बेच देने से मैं उसका सिद्ध का तो बेटा नहीं, खरीदने वाले हरिश्चंद्र का बेटा हूं, लेकिन बड़ी पीठ में चढ़ाने से मैं हरिश्चंद्र का बेटा भी नहीं, तो मैं अब किसका बेटा हूं ये मुझे बता दें। तो उन्होंने कहा वरुण देवता ने इस बेटे को बचा कर लिया इसलिए वरुण का बेटा हुआ, वरुण देवता का बेटा हुआ, इसलिए उन्होंने कहा कि आप जब कभी भी किसी भी पूजा में इसकी पूजा होगी
तो वरुण देवता के साथ कलश में स्वर्ण शिव का भी आह्वान किया जाएगा और वरुण देवता में दो कलश स्थापन करते हुए एक वरुण के पुत्र स्वर्ण शिव की और एक वरुण देवता की स्थापना करते हुए इसकी पूजा की जाती है। एक कलश का विधान है, बहुत सारे ब्राह्मण हैं वो जानते हैं अच्छी तरह, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि स्वर्ण शिव की कलश की स्थापना से इसकी पूजा की जाती है। एक कलश का विधान है ये हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। तब राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि महर्षि वशिष्ठ आप कुलगुरु होकर भी मुझ पर यह संकट क्यों आया। तो वशिष्ठ कहते हैं कि इसका क्या हुआ। तो वरुण देवता ने बताया कि वरुण देवता के कहने पर कलश स्थापन की पूजा होने के बाद उन्होंने कहा कि यह जो आज स्थिति है यह कुल देवता की पूजा न करने के कारण हुई। जब यह पता चला कि पिताजी को बचा लिया गया है, अब उनका पुत्र राहुल भाग किया गया, राहुल भाग के आया और जब आया तो सबने राज्याभिषेक हुआ राहुल का और श्रेष्ठता स्थापना वगैरह सब हुई, कुछ कुल देवता की पूजा हुई, सब हुई, राज्याभिषेक भी हुआ। और जब यह पूजा पूर्ण हो रही थी, राज्याभिषेक हो रहा था, तो राजा हरिश्चंद्र अपने कुलगुरु को बुलाकर पूजा कर रहा था, वो भूल गया कि विश्वामित्र को बुलाना चाहिए। जब विश्वामित्र को पता चला कि इतना सब करके मैं उसको बचाने के बाद, उसके पुत्र को सबको बचाने के बाद भी यह आज मुझे भूल गया, तो वे राज्य में आए और कहा कि क्या कुलगुरु वशिष्ठ, जिस कार्य को आप नहीं कर सके उसको मैंने करके बताया, क्या प्रत्येक मेलक शिवा पूछ रहे राजा हरिश्चंद्र का यह जो करना है ये ठीक है क्या। तने कहा विश्वामित्र तुम क्या चाहते हो, किसी इनके कुलगुरु को बुलाकर पूजा कर रहे हैं, ये क्या कहें, मेरा हरिश्चंद्र सत्यवादी है और वो जो करता है वो उसके मेरे कहने पर उसने किया है, उसके सत्य धर्म को कोई नहीं कर सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता। तब विश्वामित्र कहते हैं कि अगर ये बात सत्य है और मेरी तपस्या का फल उसने अनुभव नहीं करता और उसको वो सत्य नहीं कहता है, तो मैं आज से याद रखूं मैं तुम्हारे हरिश्चंद्र की सत्य की परीक्षा लूंगा। और विश्वामित्र ने सत्य की परीक्षा आरंभ की। बहुत सारे लोगों को इसका पता है कि राजा हरिश्चंद्र की सत्य परीक्षा किस तरह ली गई, क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको सबको पता है। उसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने जब ये कहा तो फिर वशिष्ठ और विश्वामित्र के साथ, राजा हरिश्चंद्र के पिता का नाम त्रिशंकु था, त्रिशंकु भी किसी तपस्या और किसी विशिष्टता के कारण वो भी शापित हो गए थे और त्रिशंकु को वशिष्ठ ने स्वर्ग नहीं भेजने की बात कही। त्रिशंकु को भी विश्वामित्र ने अपना नूतन स्वर्ग सृष्टि करते हुए उन्होंने कहा था वहाँ भी कुल देवता की पूजा नहीं हुई। त्रिशंकु को यहाँ लाकर उन्होंने फिर कुल देवता की पूजा करवाई और कहा। इस प्रकार मैं आपको कहता हूँ कि श्री रंगधाम रघुवंश को और सूर्यनारायण वंश को श्रेष्ठता के साथ कहा जाता है और कहा जाता है कि जो इस मुक्तिनाथ में आकर यहाँ सभी ऋषियों ने जब उनका पश्चात श्राप हुआ तो वरुण देवता ने कहा कि आज से जो कुल देवता को भूल भी जाता है, जो कुल देवता की पूजा भी नहीं करता, जो कुल देवता को चाहता नहीं, वो इसके मैंने यहाँ वरुण के रूप में 108 कुंड स्थापन किए हैं और यहाँ एक पापी कुंड और पुण्यिका कुंड दो भी स्थापन किए हैं रात में वहाँ यहाँ मुक्तिनाथ में, जो इस 108 कुंड के साथ स्नान करते हुए पहले पापी कुंड में स्नान करे बाद में पुण्य कुंड में स्नान करता है, उसकी कुल देवता का दोष अगर मालूम भी नहीं रहता, कुल देवता की पूजा भी उसने कभी नहीं की या उसने नहीं किया, तो उसको उस सारी पूजा से धन्य करते हुए उसके वंश को बढ़ाने का, उसको पति और सुख सारा देकर उसके पुत्र और पौत्रों तक 7 पीढ़ियों तक उसके घर में वंश दूंगा, उनके घर में अच्छा पति पत्र से और परिवार सुख प्रदान करूंगा, जो इस 108 कुंडों के जल से प्रोक्षण स्नान कर लेते हैं और इस पापी कुंड में स्नान करते हैं, पुण्य कुंड में स्नान करते हैं, उनको यह मैं आशीर्वाद देता हूँ। वरुण देवता ने कहा यह मुक्तिनाथ का श्रेष्ठ है, श्री रंग धाम यहाँ जहाँ विष्णु श्रेष्ठ है और इसके बाद जब प्रलय हुआ तो उसके बाद नरनारायण भी आए और यही नरनारायण अपने में कहते हैं कि बाद में द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन हुए, उसके बाद यही मत्स्यनाथ और गोरखनाथ हुए नाथ सांप्रदाय में। यहाँ एक पहले से कल्पवृक्ष रहता था, उस कल्पवृक्ष की पूजा कहते हैं कि उस कल्पवृक्ष में 33 कोटि पत्ते थे उसको और नाथ सांप्रदाय के लोगों ने उसके सामने तपस्या करते हुए हर एक बार हर एक मंत्र को अपने साबर विधान से मंत्रों से उसकी श्रेष्ठता की और उन्होंने एक एक सावर मंत्र करते गए और उस सावर मंत्र उस पीपल के पत्ते पर वो मंत्र आता था और मंत्र जैसे पीपल का पत्ता नीचे जैसा ही गिरता था
अगर मैं ये मंत्र की सिद्धि देते हो तो ये गिरा हुआ पत्ता फिर झाड़ को जाके अटक जाए, ऐसा नाथ संप्रदाय के लोग कहते थे, और जाके वो पत्ता चिपक जाता था। इस प्रकार उन्होंने 33 कोटि देवताओं की सिद्धि यही इसी ज्ञाति, आज पीपल का वृक्ष दिखता नहीं हो या है या नहीं हो ये बात अलग है, लेकिन यहाँ कल्पवृक्ष था और नाथ संप्रदाय की पूर्ण मंत्र की शाखाएं, मंत्र की विधान, मंत्र का श्रेष्ठता। अब नाथ संप्रदाय को या नवनारायण को हम यहाँ स्मरण करते हैं या श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं, तो यहाँ मैंने जैसे आपको कहा कि 10 महाविद्याओं का मैंने इस बार नवरात्रि में साबर विधान का मंत्र दिया था और कहा था कि यहाँ अगर तुम एक बार भी इस मंत्र को बोल लेते हो तो उसकी श्रेष्ठता आपको नाथ संप्रदाय से प्राप्त होगी। इसके बाद यहाँ से रंगधाम या मुक्तिनाथ में हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं या उनका स्मरण करते हैं। इसके बाद मैंने एक बात भी कही कि यहाँ गुरुजी ने अपने सन्यासी शिष्यों के साथ जन्मदिवस मनाया था, मुझे भी लगा, और गुरुजी ने उस दिन कहा था कि उर्वशी अप्सराओं को यहाँ बुलाया था। गुरुजी ने कहा कि जो यहाँ मुक्तिनाथ धाम में मेरा जन्मदिन मनाते हैं तो बहुत सारे सिद्धाश्रम के मेरे शिष्य यहाँ उस जन्मदिन में भाग लेने के लिए आते हैं। और मेरी ये इच्छा थी कि गत वर्ष हमने सिक्किम में किया, इस बार यहाँ, और गुरु कृपा हुई तो अगले साल मानस सरोवर में करूँगा, शक्ति हो तो आप सभी की शक्ति के अनुसार। मैं नहीं चाहता था, सच्ची बात तो ये बता देता हूँ, यहाँ की इस स्थिति को देखकर मैं दत्तू भैया से कहा 30 से 50 लोग ज़्यादा नहीं आएंगे, साधक तो क्या बात करता है, उतने ही लोगों में से हम ये साधना या शिविर कर लेंगे। जब आज ये इस सभी को देखा तो गुरुजी ने उस दिन भी कहा था, जोशी मेरे साथ केवल 15 या 20 शिष्य थे और वे मेरे थे, और आज भी मैं कह रहा हूँ जो यहाँ आए हैं वो गुरुजी के शिष्य हैं और गुरुजी की सिद्धाश्रम की योजना के साथ उनकी उनका परिचय होगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। आज हम अगर इस मंत्र सिद्ध कार्य को हम करते हैं तो आज के दिन संकटहर चतुर्थी है और रतिपात योग है। मैंने इन 3 दिनों में मेरा बहुत सारा प्रयास ये रहा है कि गुरु दर्शन हो, सिद्धाश्रम की योगियों का दर्शन हो, गुरुकृपा प्राप्त हो, कुलदेवता का दोष जो हमारे जीवन में है वो जाए, हमारा कुल की वृद्धि हो, हम श्रेष्ठता के साथ जीवन जिए और गुरु कृपा प्राप्ति से हम जीवन जिए। इस इच्छा से मैंने यह साधना शिविर यहाँ लगाया है। मैं जानता हूँ कि आपको आने में तकलीफ हुई, आपको सर्दी है, ठंडी लग रही है, ये सारी चीजें, लेकिन तपस्या उसे ही कहते हैं जो अपने शरीर को ताप देता है। अपने शरीर को ताप देने के बाद तपस्या अगर होती है तो कार्य सिद्ध होते हैं। आज 19 तारीख के दिन 5 बजे व्यतिपात योग हो गया, 5 बजे के बाद अभी साध्य योग है और शुभ योग है। आज हम संकट चतुर्थी, गणेश जी का पहले कहते हैं कि हम हर पूजा के सामने, हर शिविर के सामने गणेश जी का स्मरण करना चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, हम गणेश जी का पूजन करेंगे। और आज हम जिस मुक्तिनाथ में गणपति का स्मरण करते, पहले पहले गुरु जी को किस प्रकार स्मरण किया जाए इसकी बात आपको मैं बताता हूँ। मैंने ये चिट्ठी लिखी है लेकिन यहाँ जेरॉक्स मशीन नहीं होने के कारण थोड़े ही बाद में मैं हिंदी और तेलुगु में दोनों दिन भी 19, 20, 21 का कार्यक्रम लिखा हूँ कि किस तरह हो। हम 19 तारीख की इस रात्रि में मुक्तिधाम के परिसर में आए हैं, सफेद वस्त्र या सफेद आसन का उपयोग कर सिद्धाश्रम योगी एवं गुरुदर्शन हेतु गुरु पूर्णता प्रदाय यंत्र को गले में धारण कर संकट चतुर्थी के गणपति पूजा समय में निम्न मंत्र का 16 बार उच्चारण करें, केवल 16 टाइम्स। गुरु प्रसाद मासाद्यम विद्या प्राप्तम सुवेश्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 वे
प्रेत शुचिस्थ स्वर्णवात सिद्धि श्याम शंकर ने प्रवचन। भगवान शंकर ने कहा है कि यहाँ जो गुरु स्मरण करता है, यहाँ गुरु का आह्वान करता है, तो सिद्धाश्रम से हो या कहीं से भी हो, वो गुरु यहाँ आकर दर्शन देते हैं। इसका 16 बार हमें जप करना इस श्रेष्ठता के साथ कहा गया है। इसके बाद इस जप को कल सुबह जिस आप जो रूम में बैठे हुए हैं उसी रूम में बैठकर यहाँ ब्रह्म मुहूर्त सुबह 6:15 से 7:15 में होता है, उस समय आप पूर्णत्व हमारा जो अभी गले में धारण किए
उस माला को कल सुबह निकालकर या आज जिस माला को लेते हैं पूर्णत्व माला को लेकर निम्न मंत्र का ओम ह्रीम क्रीम पूर्णत्म स्वात्म सिद्धे ओम नमः, मेरी आत्मा को सिद्ध करो प्रभु और आप दर्शन दो, मैं इस पवित्र स्थल पे आया हूँ, मेरा घर मेरा शहर शायद पवित्र हो या ना हो लेकिन ये स्थान तो पवित्र है और आप यहाँ विचरण करते हैं, इसलिए मैं इस पूर्णता के लिए मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। यह आप सुबह काषाय वस्त्र धारण कर या नहीं है तो सिद्धि अपने सफेद वस्त्र धारण कर इस मंत्र की 21 माला जप करें। कब? ब्रह्म मुहूर्त में। यहाँ का ब्रह्म मुहूर्त 6:15 से आरंभ होता है, इस बात को याद रखो। और यह मंत्र जब जो मैंने कहा है ओम ह्रीम क्लीम पूर्णत्व स्वात्म सिद्धे ओम नमः, इस मंत्र को सुबह करना है। अभी केवल गणपति की पूजा होते समय गुरु का आह्वान करना है। मंत्र मैं दिया हूँ फिर भी कागज देकर भेजता हूँ, आप सब लोग ले लो नहीं तो उदय महाराज के हस्ते उच्चारण करवाता हूँ। यह आज का कार्यक्रम इस तरह होगा और यहाँ आज के बारे में कल फिर मुक्तिधाम में मैं समझाऊंगा कि मुक्तिधाम के वहाँ और क्या क्या है। 20 तारीख को सुबह 8 बजे हम ब्रेकफास्ट करने के बाद मुक्तिधाम जो पहाड़ी पर है वहाँ चलेंगे, जिनको नहीं होता है वो घोड़ा करें, जिनको चल सकते हैं वो 1-1 किलोमीटर है बोलते हैं 200 सीढ़ियों से ज़्यादा नहीं है वहाँ हम चले। वहाँ 108 कुंड नल के रूप में जल आते रहता है, उसका प्रोक्षण कर ले या आपको हो सकता है तो स्नान करें। उसके बाद वहाँ पापी कुंड और पुण्य कुंड है, उसमें भी आप पापी कुंड में पहले और बाद में पुण्य कुंड में स्नान करें। उसके बाद जो माला आप आज धारण करें उसको वहाँ हम उस ब्रह्मा को जिसने सृष्टि किए उनको शांति करते हुए गुरुजी की प्रार्थना करते हैं। इस मंत्र से उसकी 11 माला वहीं करना है। ओम ह्रीम श्रीम ब्रह्म शांति सिद्धाय इष्टम दर्शय दर्शय ओम स्वाहा। प्रभु मेरे को गुरु दर्शन हो, मेरे इष्ट देवता का दर्शन हो, मेरे कुल देवता का दर्शन हो और मुझे कुल देवता और गुरु मुझ पर कृपा करें और मैं जीवन भर यहाँ आज जो आया हूँ गुरुजी ने जैसे सारे शिष्यों पर कृपा की थी आप वैसे ही कृपा कर मुझे संपूर्णत्व प्रदान करो, मुझे पूर्णत्व प्रदान करो, मुझे ब्रह्म शांति प्रदान करो। मामूली शांति तो किसी को मिलती है, बीमारियां है और कुछ है कुछ है, लेकिन ब्रह्म शांति का अर्थ होता है कि आप जिस कल्पकाल तक आप यहाँ वास करते हैं तब तक मेरा वास आप में मेरे गुरु को स्मरण करते रहो और मेरे गुरु को गुरु कृपा की प्राप्ति करो और मेरा वंश बढ़ता रहे, मेरे बच्चे मेरे और सात पीढ़ियां भी किसी दोष के कारण कभी दुखी ना हो, ऐसा करने के लिए आप इस ब्रह्म शांति का मंत्र कल सुबह अगर मुक्तिधाम के वहाँ पहाड़ी पर करते हैं वो करते हुए नीचे उतर जाएं। आने के बाद हम भोजन करेंगे, 1 बजे तक भोजन यानी बस शाम में 6 बजे यहाँ पुरुष सूक्त लक्ष्मी सूक्त और रुद्र एवं गुरु मंत्र से हवन करेंगे रात में शाम में 6 बजे। उसके बाद पूर्ण होती होगी, रात में भोजन करके आप सो जाएंगे। उसके बाद 21 तारीख की सुबह मैंने कहा है कि गुरु जन्मोत्सव पर्व है उस दिन और गुरु जी से प्रार्थना, गुरु जी का निश्चित रूप से इधर हम दर्शन करने के लिए हरा वस्त्र पहनकर, अगर नहीं है तो आप सफेद वस्त्र पहन सकते हैं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाओ, सामने गुरु मूर्ति या गुरु चित्र या गुरु यंत्र किसी भी कोई कपड़े पर रखकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपने गुरु के उस यंत्र पर या गुरु के शरीर पर ललाट, दोनों बाहू नाभि दोनों घुटने दोनों पादुकाएं और शरीर के ऊपर चंदन का तिलक करें और नीचे का मंत्र आवाहन मंत्र गुरु को कि गुरुजी आप यहाँ आ जाओ, ऐसा मंत्र है आवाहयामि आत्मस्वरूपम आवाहयामि प्राणस्वरूपम आवाहयामि महादेह चिंतम गुरुत्वम शरण्यम गुरुत्वम शरणम, इसको 16 बार 21 बार या 108 बार करते हुए फूल या अक्षत उस यंत्र या गुरु मूर्ति पर चढ़ाएं। उसके बाद निम्न मंत्र बोलते हुए उस यंत्र को सिद्ध करें या मूर्ति को सिद्ध करें, जो हमारे साथ घर आएंगे तो गुरु जी हमारे साथ घर आएंगे, जो सिद्धाश्रम स्थित है उनका उनके उस जो मंत्र फूल और अक्षत चढ़ाने के मंत्र है ओम कूर्माय नमः ओम आधार शक्ति नमः ओम पृथ्वी नमः ओम धर्माय नमः ज्ञानाय नमः ओम सर्व ज्वालाय नमः ओम ऐश्वर्य नमः ओम विकार नमः केशरीभ्यो नमः ओम वंचाशरण अभिज दयाकणिकाय नमः ओम वैराग्याय नमः अनीश्वराय नमः ओम अनंताय नमः सर्वतत्वात्मकाय नमः ओम आनंदकंदाय नमः ओम प्रकृतिमय पत्रेभ्यो नमः श्री गुरु शंकर। इस प्रकार 16 बार फूल चढ़ाएं और उसके बाद गुरु मंत्र की 4 माला जप करें। उसके बाद गुरु कृपा प्राप्ति हेतु एवं गुरुजी को अपने घर ले जाने हेतु गुरुजी आपकी कृपा और आपके सिद्धाश्रम की योगी हमारे साथ घर में आए, कुल देवता की स्थापना हो और आज तक हमने जो गलती की है हमारे जीवन में कुल देवता की पूजा नहीं हुई उसका दोष हमारे से चले जाए और हमारे में कुल देवता स्थापन होकर हमारा वंश बढ़े, हम सारे सुखों से समृद्धि हो जाए और हम बहुत श्रेष्ठ कहलाएं, हमारे घर में जो अड़चने हैं वो चली जाए, ये प्रार्थना करते हुए निम्न मंत्र का मंत्र
हो सके तो 21 माला करें। ओम ह्रीम क्लीम गुरुत्व आत्मैक्यम ह्रीम फट, मेरी आत्मा के साथ आपकी आत्मा ऐक्य हो जाए, ऐसा मंत्र बोलते हुए इस मंत्र को करें। इसके बाद गुरु जन्मोत्सव मनाएंगे, उसके बाद भोजन करेंगे, बाद में 1 बजे पोखरा के लिए हम यहाँ से वाहनों में चले जाएंगे। रात में पोखरा में विश्राम करेंगे और सुबह 7 बजे ही पोखरा से काठमांडू के लिए है। समय का पालन करना अच्छा है। ये 19, 20, 21 तारीख की हम जो करने के कार्यक्रम है उसको मैंने बताया है। मैं अब रात कल जब हम सुबह अभी पूजा गणेश जी की पूजा करेंगे शंकर चतुर्थी की, तब मैंने जो आपको मंत्र कहा है वो मंत्र को आप 16 बार उच्चारण करेंगे और गुरु चरणों में हो सके तो अक्षत या वहाँ बैठे बैठे ही आप अक्षत समर्पण करें, फूल समर्पण करें, इसकी बात ध्यान रखें। पहले गणेश जी की पूजा होगी और गणेश जी की पूजा होते समय उसको आप 16 बार उस मंत्र को करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से भोजन को जाएंगे। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैंने जो मंत्र कहा है वो यहाँ दिया है, फिर भी शिवा ने प्रयत्न किया है कि जितने जराक्ष आ सकते हैं उतने जराक्ष आए हैं। एक एक रूम में जितने भी है या 10-10 लोगों को एक एक होटल में रहने वाले 2-2, 3-3 कापियाँ ले लो और उसकी कापियाँ आप ले लो जो ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जप करना है। मैं आपको तेलुगु और हिंदी दोनों में भी दिया हूँ। मैंने यहाँ आपको ये कहा है कि आपको कुलदेवता का दोष और साबर मंत्र की सिद्धि के लिए और अप्सरा को सिद्ध करने के लिए यह स्थान श्रेष्ठ है। यहाँ कुलदेवता की सिद्धि, गुरु मंत्र की सिद्धि और अप्सरा यक्षगंधर्व और स्राव की सिद्धि और साबर मंत्रों की सिद्धि या विशेष रूप से होते हैं। आप जो आज तक भी साबर मंत्र किए हैं, जब मुक्ति धाम में ऊपर जाएंगे कुंड का स्नान होगा तब आप इस मंत्र को, आपके किए हुए गुरु मंत्र और इस मंत्र को संपूर्णता से जरूर करें। आपके सिद्धार्थ की योगी का दर्शन मैं कहता हूँ कि निश्चित रूप से होगा। अगर आप मन पूर्वक भावना से मेरे अगर शब्दों पर आप विश्वास करते हैं तो आपको निश्चित रूप से इसका दर्शन होगा और आप अनुभव करेंगे कि आप यहाँ आए हैं, ये खाली नहीं जाएगा। इसका हर क्षण का, हर पल का दिव्यता आपके जीवन में होगी और उसका आप भी अनुभव कर सकेंगे। अभी मैंने जैसा कहा कि ये श्रीरंग धामेश्वर है और यहाँ इनके कुलदेवता अयोध्यानाथ है। अयोध्यानाथ अयोध्या के कुलदेवता है और इसको श्री रामचंद्र जी ने अपने घर में जो विष्णु भगवान की मूर्ति थी, जब विभीषण ने आकर पूछा था कि प्रभु मैं आपकी पूजा करूँ, उपहार के रूप में जब आप अयोध्या से आए हैं, आपने स्वर्ण की लंका देने की बात कही तो भी आपने नहीं, मुझे उपहार स्वरूप में आप क्या देते हैं, तो रामचंद्र जी ने उनको उपहार स्वरूप में वो श्रीरंग की मूर्ति ही दे दी जो उनके अयोध्या में थी। और श्रीरंग की मूर्ति को जब उठा के पुष्पवन में बैठकर विभीषण जा रहे थे तो कावेरी नदी के पास जाने के बाद वो बहुत वजन हो गया और विभीषण को वहीं लघुशंका आ गया है, तो वहाँ उन्होंने अपना विमान उतारा और लघुशंका स्नान करने के लिए गए। जैसे ही गए वहाँ श्रीरंग स्वामी ने कहा कि मैं अभी लंका नहीं आता हूँ, मुझे मेरी यही स्थापना कर दो। आज जो श्रीरंगम क्षेत्र है वहाँ इसकी स्थापना हुई है और श्रीरंग में यहाँ के श्रीरंगनाथ की, अयोध्यानाथ की, प्रभु रामचंद्र के कुलदेवता की स्थापना हुई है। हम अपने कुलदेवता का आज तक तो अपने पूजा नहीं की हो, अपने गुरु को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा हो, अपने सिद्धाश्रम वासियों को अपने नहीं देखा हो, तो आप निश्चित रूप से इस गुरु मंत्र का करेंगे और आप उस सिद्धि को या आप यहाँ जो आए हैं उसका फल आप प्राप्त करेंगे, ऐसी आशा रखता हुआ अभी हम गणेश जी का पूजन आरंभ करेंगे। और मैं जो मंत्र दिया है आपके पास भेजता हूँ, या आपको व्हाट्सअप है तो व्हाट्सएप पे वो मंत्र ले लो। केवल 16 बार मंत्र उसको बोलना है, 16 बार उस मंत्र को बोलना है, आपके पास भेजा हूँ। नहीं तो मैं उदय महाराज को एक बार बोलता हूँ, आप सब लोग आपके पास ले लो कि उस मंत्र को बोलना है। अभी गणेश जी का मंत्र होगा, उसके बाद आज चंद्रोदय होने के बाद भोजन होगा, रात में सो जाएंगे और ब्रह्म मुहूर्त में कल जिस मंत्र को करेंगे उस मंत्र को आप भी करेंगे। व्हाट्सएप यहाँ नहीं चल रहा है तो खुद थोड़े लोगों को नहीं आता होगा तो फिर इस मंत्र को आप कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना है और अभी जो मंत्र 16 बार करना है गणेश जी की पूजा होते समय आप इसका ध्यान रखें। समय कितना है, टाइम कितना हुआ है अभी, तो हम गणेश जी की पूजा आरंभ करेंगे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करने का मंत्र जप है। फिर बाद में मुक्तिनाथ जाते समय वहाँ की विशेषता और यहाँ के सिद्धाश्रम योगी कहाँ, मैं एक बात बोलता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग भगवान सूर्य की ओर देखते हुए मंत्र को जोर से उच्चारण करते अपने अपने रूम में बैठते हैं तो उनको निश्चित रूप से कम 16 फीट ऊंचे सिद्धाश्रम योगी पर्वतों की मालाओं से जाते हुए दिखेंगे। ये मेरा अनुभव है ब्रह्म मुहूर्त में जो मंत्र जप को करें। आप
पीने का नहीं। मैंने ब्रह्मवर्त का समय बताया 6:15 से 7:15 तक, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हुए मुक्ति धाम को 8 के बाद घोड़े पे या चलते चलेंगे। आप इस बात का ध्यान रखो कि हम यहाँ आए हैं तो उसका फल हम प्राप्त करें और आगे चलें। अभी गणेश जी की पूजा हमारे में करेंगे, उसके बाद आप गणेश जी की पूजा होते समय उस मंत्र को कर लें, बाद में भोजन का समय मैं दूंगा। बाद में कल और भी क्या विशेषता है कल बताऊंगा, वहाँ के वृक्ष की, वहाँ के कुंडों की, वहाँ में जहाँ पापी कुंड और पुण्य कुंड है उसका स्थान की विशेषता और क्या करना है बताऊंगा। लेकिन मैंने संक्षिप्त में इन 3 दिनों का कार्यक्रम आपको बता दिया है, इस कार्यक्रम के अनुसार चलेंगे। अब अभी गणेश जी की पूजा होगी, आप आज अंगारिका चतुर्थी है और गणेश जी का स्मरण पहले कर लो और गुरु मंत्र का जाप जो आह्वान मंत्र का है उसके बाद सभी लोग भी कम से कम 4 गुरु मंत्र जप निश्चित रूप से करो जब तक मैं गणपति की पूजा करता हूँ। एक बार जी